आज हम लोग मूंगफली का खीर बना रहे हैं जो बहुत ही आसानी से घर में बन जाता है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट भी कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए। तो चलिए हम लोग मूंगफली का खीर बनाते हैं। ये मूंगफली का खीर बनाने के लिए मैं ये 150 ग्राम मूंगफली दाना ली हूँ। इसको फ्राई कर दूंगी लो फ्लेम पर बिना रिफाइंड का। इसको भून लूंगी, इसके बाद ठंडा करने के बाद इसका छिलका उतार लूंगी और तब इसको मिक्सर में ग्राइंड कर दूंगी और तब बारीक ग्राइंड करूंगी और बिल्कुल ठंडा होने पे इसको पीसूंगी, नहीं तो ये अपना तेल छोड़ने लगेगा और इसके बाद आगे का प्रोसेस मैं बताऊंगी। ये फ्राई होने के लिए चढ़ा दी हूँ और ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तभी मैं इसको पीसूंगी। और ये बहुत ही पौष्टिक होता है, इसमें मैं थोड़ा मखाना भी फ्राई करके डालूंगी। आपको अगर मन हो तो डालिए, नहीं तो कुछ नहीं, ड्राई फ्रूट्स है तो डालिए, नहीं तो नहीं, क्योंकि इसका खुद का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। और ये करेंगे और आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट भी कीजिए। तो मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। ये सारा मूंगफली चटक गया है, फ्राई हो गया। मैं इसको गैस बंद कर दूंगी और आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी ठंडा होने के लिए और फिर इसका छिलका उतार करके पीस लूंगी। इधर जब तक मूंगफली ठंडा हो रहा है तब तक दूध उबलने के लिए मैं चढ़ाती हूँ। ये मैं फुल क्रीम ली हूँ, आप नॉर्मल भी ले सकती हैं। ये ठंडा हो गया है, इसी में मैं थोड़ा सा मखाना भी डाल दी थी और देखिए इसको ऐसे करेंगे तो ये सारा छिलका निकल जाएगा और थाली से इसका छिलका निकाल। ये हो गया, अब इसमें मैं डाल रही हूँ और पीस लूंगी इसको बारीक बिल्कुल ठंडा होने के बाद। ये ठंडा करना मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि गर्म रहेगा तो ये तेल अपना छोड़ देगा। बिल्कुल बारीक इसका पाउडर मैं बना ली हूँ, मखाना और मूंगफली दोनों का बिल्कुल बारीक है। ये हो गया, अब इसमें मैं ये पेस्ट मिला दे रही हूँ और इसको 2 से 3 मिनट मैं खोला दूंगी और गैस बंद कर दूंगी। ब्राउन शुगर, ये मूंगफली का खीर बनकर तैयार हो गया है। आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो जरूर बोलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट भी कीजिए और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग शेयर भी जरूर कीजिए। ये हम लोगों का मूंगफली का खीर बनकर तैयार हो गया। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट भी करें। धन्यवाद।